तो हे गाइस, बात करते हैं अपने पहले की फ्री फायर की कम्युनिटी की। तो बहुत ही अच्छी थी, उसमें कंट्रोवर्सी टाइप में कुछ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑडियंस को गुड कंटेंट क्रिएटर मौजूद थे यार, जो ऑडियंस को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे। देन अभी की करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी के टाइम अपनी FF कम्युनिटी यार इतनी ज़्यादा घटिया और बेकार हो चुकी है यार। इसके बारे में यार मैं से ज़्यादा आप लोग को पता होगा कितने ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि अपने फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर कितने ज़्यादा कंट्रोवर्सी होते हैं क्या होते हैं। आज का टॉपिक है कि हमारे जो टू साइड गेमर है यार, क्यों डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएटर, मतलब टू साइड गेमर जो है दूसरे क्रिएटर से क्यों डिफरेंट है और क्यों है। तो इसके बारे में हम फुल एनालिसिस करेंगे और फुल बातें करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तो गाइस, क्यों डिफरेंट है, तो गाइस आज इसके बारे में हम फुल बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि जो हमारे टू साइड गेमर मोबाइल में लाइव वगैरह जो भी है मोबाइल में करते हैं, और उनका जो फैन बेस है वो बाकी क्रिएटर से सबसे अलग है और सबसे ज़्यादा है जो मोबाइल से गेमिंग करते हैं। देन वो मतलब उनका जो ऑडियंस के साथ बॉन्डिंग है वो भी सबसे अलग है, क्योंकि मोबाइल में खेलने के साथ देन अपने मतलब इतने ज़्यादा रिस्पेक्टिव और अपने फैन बेस बनाना बहुत ही अलग बात हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसी भी पीसी प्लेयर की बात नहीं हो रही जो मतलब कंप्यूटर वगैरह पीसी में खेलते हैं। यहाँ पे सिंपली मोबाइल प्लेयर्स की और मोबाइल यूट्यूबर्स की बात करें, उसमें से टू साइड गेमर आते हैं जो टॉप पे है, क्योंकि वही मे बी यार मोबाइल में खेलते हैं, आपको पता होगी जहाँ तो, और मोबाइल में ही लाइव करते हैं। फिर भी यार बहुत सारे लोग उनको नूब वगैरह बोलते हैं। देन तो गाइस, उनको बता दूं कि वो जो टू साइड गेमर से और अपने स्किल के लिए नहीं खेलते गाइस, वो इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं और आपको ऑडियंस को इंटरटेन करते हैं। देन उसको इंटरटेन के बेस पे लीजिए। अगर आपको उनका स्किल देखना है तो देन वो टूर्नामेंट खेल के आए, उनका स्किल देखिए भाई। वो मतलब मेरे को एकमात्र ऐसे यूट्यूबर लगा जो टूर्नामेंट खेल के आए, मे भी मेरी नज़र में तो वही है कि इतना बड़ा यूट्यूबर फैन बेस के साथ और टूर्नामेंट खेल के आए, वो भी बहुत बड़े लेवल पे ब्राज़ील जाके टूर्नामेंट खेल के आए। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा कि वो वहाँ पे जाके टूर्नामेंट खेल के आए। हाँ, भले जीतना और ना जीतना वो बात अलग है, बट देन उतना बड़े यूट्यूबर होने के साथ टूर्नामेंट खेलना ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और इतना हेट भी मिला था, वो कुछ लूज़ हो गए थे तो उसका कोई दिक्कत नहीं, बट वो इंटरटेन करते अपने लाइव में, वही सबसे बड़ी बात हो जाती है गाइस। गाइस, अब बात करें कि अदर्स क्रिएटर या अदर इन्फ्लुएंसर क्यों अलग है टू साइड गेमर से। तो गाइस, बात करें अपने फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर, अगर कोई यूट्यूबर है जो लीक्स एंड अपडेट्स की वीडियो डालता है, देन वो कितना भी बड़ा उसके पास फैन बेस हो जाए, वो सिर्फ वही काम करता है, लीक्स एंड अपडेट्स के वीडियोज ही डालता है। देन बात करें अगर कोई डायमंड्स की वीडियो अपलोड करता है कि डायमंड परचेज की एंड वगैरह वगैरह, तो सिर्फ वही करता है। देन और जो मतलब जो भी करना है वही करता है, देन अदर कंटेंट की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। बट अपने टू साइड गेमर से जो फर्स्ट टाइम ट्राई किए कि फ्री फायर के अंदर कोई सॉन्ग लाए, तो वो अपने नाम का सॉन्ग लाए द THG। देन अभी उन्होंने न्यू रिलीज की सॉन्ग ठेस दी। हाँ, उन सॉन्ग उनके चैनल पे दोनों अवेलेबल है, आप जाके सुन सकते हो। दोनों OP काफ़ी अच्छा और काफ़ी पसंद किया जाने वाला सॉन्ग है यार उनके चैनल पे, दोनों काफ़ी अवेलेबल है और वो ट्रेंडिंग पे भी थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फ्री फायर के कम्युनिटी के अंदर है ना, ये जो टू साइड गेमर है ना, बाकी क्रिएटर से कितना ज़्यादा डिफरेंट थे। मतलब वो न्यू ट्राई करने का चाहते हैं फ्री फायर के अंदर और न्यू ट्राई कर रहे हैं, बट जो अदर क्रिएटर है जो कुछ न्यू ट्राई करना नहीं चाहते और ना ही कर रहे, जस्ट लाइक कि कितना बड़ा फैन बेस होने के साथ न्यू ट्राई करना चाहिए, जस्ट लाइक कि मतलब हमें न्यू सॉन्ग बनाना चाहिए, देन मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें अपलोड करना चाहिए, बाकी दिन भर फ्री फायर वगैरह, फ्री फायर की वीडियोस, फ्री फायर का लाइव, इससे ऐसा मूड नहीं चेंज होता ब्रो। ऐसा लोग नहीं करते, अदर इन्फ्लुएंसर नहीं करते, बट टू साइड गेमर करती है ऐसा। और आपने देखा होगा कि एवरी सैटरडे या संडे शायद उनका ब्लॉग आता है अपने चैनल पे 12 बजे, मैं तो वेट करता हूँ यार एवरी संडे यार उनका ब्लॉग के लिए, और काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि अदर्स जो फ्री फायर के हटके जरा जो कंटेंट डालते हैं ना, वही यार OP लगता है और वही अच्छा लगता है, क्योंकि हर एवरी डे फ्री फायर उतना अच्छा पसंद उतना अच्छा लगेगा भी नहीं। आप अलग कुछ न्यू ट्राई करोगे ना तो ही ऑडियंस को अच्छा लगेगा और ऑडियंस को पसंद आएगा। और डेली डेली फ्री फायर खेलते 24 घंटे
देना, फिर आप फ्री फायर का वीडियो भी अपलोड करते हो तो यार कुछ समझ कुछ हजम नहीं हो पाती। जैसे आप न्यू ट्राई करोगे ना तो वो अच्छा रहेगा, तो आप ऐसे कर कर के न्यू ट्राई कर सकते हो कि मतलब इसलिए यार टू साइड गेमर इतना ज़्यादा डिफरेंस है यार अदर क्रिएटर से कि उसको इतना ऑडियंस इसको क्यों इतना सपोर्ट करती है। ब्लॉगिंग के साथ इंटरटेनमेंट के साथ सॉन्ग वॉन्ग सब प्रोवाइड किए आप अपने ऑडियंस के लिए, इसलिए यार टू साइड गेमर इतनी ज़्यादा यार पॉपुलर है अपने फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर और इतना ज़्यादा मोबाइल प्लेयर होने के साथ इतनी ज़्यादा फेमस है। तो मैं भी यार मेरे को तो टू साइड गेमर बहुत ही ओपी लगते हैं और आपको भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ और बगल में आए बेल आइकन को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।